फ्रेंड्स, रचना रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए ब्रेड से बनने वाली एक आसान रेसिपी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये हमने आधा लीटर दूध ले लिया है और ये कस्टर्ड पाउडर है 2 चम्मच, वनीला कस्टर्ड पाउडर है, चीनी है, पाउडर शुगर है, ये मिल्क पाउडर है और ये दूध है और उसका मलाई है। अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप दूध भी ले सकते हैं। और ये हमने 4 ब्रेड ले लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। ये मैंने दूध को चढ़ा दिया है गैस पर, इसको उबलने देंगे। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम ये ब्रेड के किनारों को काट लेंगे, क्योंकि ब्रेड के किनारे बहुत हार्ड होते हैं, तो इसको काट कर हटा देंगे। और इस कटे हुए किनारे को आप फेंके नहीं, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। ब्रेड के किनारों को मैंने काट लिया है, अब इसको इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर पीस में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ ट्रायंगल पीस में काट रही हूँ। ऐसे कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों, ताकि ये मिठाई की शेप में आ जाए। सारे ब्रेड को ऐसे ही कर लेंगे। दूध बॉयल हो रहा है, इसमें पहले चीनी डालेंगे। गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। अब ये कस्टर्ड पाउडर को पानी डालकर इसको घोल लेंगे और इसको हम दूध में डालेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप दूध को रबड़ी के जैसा बना लें, फिर कलर के लिए केसर या कलर यूज कर सकते हैं। मेरे यहाँ कस्टर्ड पाउडर था तो मैं डाल रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर में कॉर्न फ्लोर रहता है, इसीलिए दूध तुरंत ठीक होने लगता है। दूध एकदम ठीक हो गया। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे रबड़ी के लिए हम ज़्यादा पकाते हैं दूध, गाढ़ा करते हैं उसको, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। उबाल आ गए हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम ये मिल्क पाउडर जो लिए थे 2 चम्मच, उसमें हम ये शुगर पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच। उसके बाद ये मलाई वाला दूध डालेंगे। आप दूध भी ले सकते हैं अगर मलाई नहीं हो तो। इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसको हम ब्रेड के अंदर लगाएंगे, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ना, वैसे ही इसके बीच में लगाएंगे और ऐसे कर लेंगे। एक एक चम्मच इसके बीच में भरेंगे और इसके ऊपर ब्रेड रख के इसको सर्विंग प्लेट में रखेंगे। सेम इसी प्रोसेस से सारे ब्रेड को रखेंगे। मिल्क पाउडर का टेस्ट ना मावा जैसा लगता है, इसीलिए इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर ले। मैंने सारे ब्रेड को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर ये कस्टर्ड का मिक्सचर डालेंगे। आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके भी डाल सकते हैं।
इस तरह से फैला लेंगे सभी जगह। ये मैंने सारे कस्टर्ड के मिक्सचर को डाल दिया है ब्रेड के ऊपर। अब इसकी गार्निश करेंगे। मैंने बादाम और ये पिस्ता ले लिया है गार्निशिंग के लिए। बारीक बारीक काट लिया है इसको। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे। आप देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है। जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना खाने में भी है। मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है और कितना आसान तरीके से ये बन गया। तो आप भी इस ब्रेड की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।